अयोध्या विकास प्राधिकरण को फिर अवैध निर्माण की सुधि आ गई। शुक्रवार को भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे प्राधिकरण के अमले ने नियावा स्थित मछली मंडी में बनी अवैध सोनी मार्केट को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान मार्केट के प्रोपराइटर द्वारा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर रिपोर्ट भी दर्ज की गई। वहीं इस कार्रवाई के बाद लोगों ने प्राधिकरण पर उंगली उठाना शुरू कर दी। लोगों का कहना, वहां स्थित एक अस्पताल जो नाले पर बना उसे छुआ तक नहीं गया। बताया जाता है प्राधिकरण के चेयरमैन कमिश्नर कोर्ट से फैसले के बाद प्राधिकरण द्वारा ये कार्रवाई की गई। थाना कैंट के मछली मंडी के पास बनी अवैध मार्केट प्रेस सोनी की बताई जा रही। बताया गया कि नियावा चौराहे से जस थरा घाट जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण होना है मार्केट नाले के पास बनी, जिसके चलते ये कार्रवाई की जा रही। अवैध बिल्डिंग खाली कराने की नोटिस देने गए प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने अपने साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। सचिव सत्येंद्र सिंह ने कैंट थाने में बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उधर प्रेम सोनी ने प्राधिकरण के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि मछली मंडी के निकट ही एक डॉक्टर ने नाले पर ही अपने अस्पताल का निर्माण करा रखा है, जो इन अधिकारियों को नहीं दिख रहा, जबकि उनकी बिल्डिंग तो नाले से हटकर बनी थी। लोगों का आरोप है कि डॉक्टर की पहुंच राजस्व से लेकर जिले के आला अधिकारियों तक है, जिसके चलते जिला प्रशासन का बुलडोजर उनकी ओर रुख नहीं कर रहा।